हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएफ इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 182। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 182 है। इस पर बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये CHO, एम्स नर्सिंग के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, स्टाफ नर्स, वो सभी सम्मिलित क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हाल ही के एग्जाम्स में या इसके पहले 2-4-5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए। ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हों, कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स हो, चाहे PCS का ऑफिसर रैंक का नर्सिंग एग्जाम्स हो जो PCS के द्वारा हेल्ड किए जाते हो, चाहे ऑल स्टेट के CHO एग्जाम्स हो, ANM, JNM हो, स्टाफ नर्स के कोई भी एग्जाम्स हो किसी भी स्टेट से, सभी के लिए ये हेल्पफुल होंगे। MPSW, BFUHS, ESIC एग्जाम्स, जो भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं या नर्सिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं, CRPF नर्सिंग, RP नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए बेहद हेल्पफुल डाटा होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल स्टेट, उत्तर प्रदेश NHM, मध्य प्रदेश CHO, NHM, उत्तराखंड NHM, स्टाफ नर्स, बिहार, चंडीगढ़, आसाम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, सभी के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कई क्वेश्चनों का रिविजन्स भी करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें। क्वेश्चन, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आपको अपने आंसर भी बताने हैं। ठीक है, लास्ट बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रक्त स्राव विकार है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीमोफीलिया। इनमें जो एक प्रकार का रक्तस्राव विकार है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो कौन सा है, हीमोफीलिया है। ठीक है, बाकी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है जो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है केवल, क्या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर डिसीजेज होती है। ठीक है, ये इस डिसीजन में होता क्या, जो लोग इसके इससे पीड़ित होते हैं, जो लोग क्या होते हैं इससे पीड़ित होते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी सर्जिकल उनके बॉडी में कट हो गया या किसी प्रकार का चोट लग गई, तो ब्लीडिंग जब भी उनके बॉडी में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उस पर जो ब्लड क्लोटिंग का टाइमिंग होता है वो बहुत लेट होता है, बहुत पुअर ब्लड क्लोटिंग होता है, समझे। पुअर ब्लड क्लोटिंग होगा मतलब बहुत देर में खून उनका जमता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी घातक बीमारी भी होती है, क्योंकि बॉडी से जिनको डिसीज होती है उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल जाता है छोटी मोटी चोट लगने पर भी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और हाँ, जिन महिलाओं को भी ये होता है, क्योंकि इसके लक्षण महिलाओं में भी देखे जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी, तो उनमें जैसे कि पीरियड टाइमिंग होता है तो उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और भी कई प्रॉब्लम्स होती है, मान लो कि डिलीवरी वगैरह होती है उसमें भी ये कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा तक होती है, इसलिए क्या होता है विटामिन के भी दिया जाता है समय से पूर्व। ओके, जब भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ अ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है विरासत में मिला हुआ ये एक प्रकार का बीमारी है, हीमोफीलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू सेल्स, ये एम्स नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है इसका राइट आंसर, बताएं अपना राइट आंसर। जो भी आपको लगा करें आप गेस किया करें, यहाँ पर वर्ड को समझा करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइपरप्लेसिया। क्या हाइपरप्लेसिया, नई कोशिकाओं की संख्या में, नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू सेल्स, उसे क्या कहा जाता है, हाइपरप्लेसिया कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय द वे आपके एग्जाम्स में, तो इसी तरह पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग क्या है। ठीक है, हाइपरप्लेसिया, एक दो वर्ड्स और मेंशन है, इन्हें समझ लें आप, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उसकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी या वृद्धि। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ोतरी होना या नंबर में ज़्यादा होना। ठीक है, तो नई कोशिकाएं या संख्या में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसको हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। एक ऑप्शन मेंशन है ऑप्शन ए पे, ठीक है, इसमें हाइपरट्रॉफी मेंशन, इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन सेल साइज, समझे, एन इंक्रीज इन सेल साइज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, जैसे कि मान लो कि कोई एक सेल है, ये मान लो कि कोई एक सेल है, ठीक है, ऊपर वाले का मतलब है
कोशिकाओं में संख्या में नंबर हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, मतलब ये नंबर बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या होगा, ये जो सेल है, सेल का जो साइज है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा लेकिन क्या, सेल ऑफ नंबर नहीं, सेल इन साइज, किसमें, साइज में ये बड़ा हो जाएगा। साइज में क्या होगा, मोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, ठीक है, साइज में बड़ा हो जाएगा। और इसमें जो ऊपर लिखा है हाइपरप्लासिया, इसका मतलब है 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 साल, मतलब 10, 1000, 2000, 3000 इस तरह आप समझ सकते हैं कि मतलब नंबर में, जो कोशिकाओं की नंबर में संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या होगी, कोशिका ही बड़ी हो जाएगी, इसमें क्या होगा, सेल ही बड़ी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी, दोनों वर्ड लिख लेना, एग्जाम्स में पूछे गए, हमने इसे पॉइंट के रूप में लिया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें फिर आंसर बताएं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में 2017 के नर्सिंग एग्जाम्स में। निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक होता है, हाउ इज मायोपिया करेक्टेड, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन बी, कॉन्क्लेव लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। किस लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्क्लेव लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है पहले ये समझ लें, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। फार साइटेड साइटेडनेस जो होती है ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। निकट की वस्तुएं सीन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की नहीं, इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि एक सेंटेंस के तौर पे लिखा गया था एग्जाम्स में, इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, निम्न में से कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, एक दो और लिखे थे, जरा दृष्टि दोष है। तो ऐसे सेंटेंस के रूप में लिखा था, ठीक है, ऐसे सेंटेंस के रूप में लिखा था। आपको आंसर फाइंड करना था कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है कि जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। ये भी क्या है, दोष का एक प्रकार है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है ये भी समझ लो, जरा दृष्टि दोष में वस्तुएं जो होती वो जरा जरा दिखाई देती हैं। कैसी, जरा जरा, जरा जरा का मतलब होता है धुंधली दिखाई देती हैं, फेड दिखाई देती, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, उस बंदे को दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, किसमें, जरा दृष्टि दोष। इस तरह लिख लेना, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक है। अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है जरा दृष्टि दोष में, ये पीसीएस में पूछा गया था, जरा दृष्टि दोष में जो वस्तुएं होती हैं धुंधली दिखाई देती हैं या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, इस पे ये नहीं कहा जाता कि दूर की नहीं दिखाई देती कि पास की नहीं दिखाई देती, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में वस्तुएं जरा जरा दिखाई देती है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तुएं जरा जरा का मतलब होता है धुंधली दिखाई देती या स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ये नहीं कहेंगे कि दूर की नहीं दिखाई देती कि पास की नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनके लिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पहले से ही डिफाइन किया गया है। जरा दृष्टि दोष उसके लिए डिफाइन किया गया है जिसमें चाहे निकट की हो चाहे दूर की, मतलब वस्तुएं जरा जरा दिखाई देंगी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगी, ज्यादा नहीं दिखाई देती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वो चाहे दूर की हो चाहे पास की। ओके, आप समझ गए होंगे निकट दृष्टि दोष क्या, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं। इसको दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। यहाँ पर देख लें सेंटेंस किस तरह लिखा गया है, ऐसा ही सेंटेंस बनाया गया था एक बार एग्जाम्स में कि निकट, मतलब ये नहीं लिखा था, ये तो हमने डिफाइन कर लिया, ऐसे लिखा था, इस दोष में निकट की वस्तुएं, यहाँ पर क्वेश्चन डाला था, इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं। अब ऑप्शन दिए गए थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, एक और था, ठीक है, तो उसमें बताना था कि ये कौन सा दोष होता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। सेंटेंस भी आना चाहिए आपको, मतलब क्या होता है इसका। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, फोर पढ़ें फिर आंसर बताएं। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, विच लेंस इज करेक्टेड यूजिंग फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, क्या, दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए होगा, क्या, ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस कहें या कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की दिखाई तो देखती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको दूर कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, उनके अगर ग्लासेस लोग बनवाते हैं चश्मा तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है,
उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ओके, ये एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इसको सलाह देता है कि आपको कौन सा लेंस लगवाना चाहिए, सही प्रकार से वो बता सकता है, ठीक है आपको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, दूरदृष्टि दोष को, और आपको पता होना चाहिए दूरदृष्टि दोष, यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इस प्रकार से भी सेंटेंस पूछ जाते हैं। और इसी को मान लो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष मेंशन किया, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको ऐसे लिख दिया जाता है हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। मेट्रोपिया को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है ये इंग्लिश वर्ड, लेकिन देवनागरी लिपि में इस तरह इसका प्रोनाउंसिएशन किया, मतलब इसको इस तरह रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है। तो भैया कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा गया। सामान्यतया कैविटी में होने वाली किसी अंग ऊतक या संरचना का फैलाव होता है, द स्पीड ऑफ एनी ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर्स दैट नॉर्मली अकर्स इन अ कैविटी इज, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो इसका भावार्थ लेके आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में सही आंसर बताना है। सामान्यतः कैविटी में होने वाली किसी अंग या ऊतक या संरचना का फैलाव, ठीक है, संरचना का फैलाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या हर्निया कहते हैं, क्या हर्निया। ये मान लो कि किसी प्रकार का कोई कट किया जाता है, इंसिजन किया जाता है, या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो इस पर क्या होता है, कभी बॉडी का ज़्यादा वेट हो जाता है, या किसी और भी कई कारण होते हैं, ठीक है, और भी इसके कई कारण, जरूरत से ज़्यादा मेहनत, तो इसमें कुछ पार्ट, कुछ बॉडी के कहीं कहीं क्या होता है, बॉडी के पार्ट में क्या होती है, ये पार्ट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, या ऊतक या अंग या संरचना क्या होती हैं, वहाँ पर बढ़ जाती हैं, इस तरह लटक आती हैं, बाहर निकल आती हैं, ठीक है, या जहाँ पर कट किया जाता है, मान लो ऑपरेशन वगैरह होता है या सर्जिकल इंसिजन होता है वहाँ पर, तो ये क्या होता है, बाहर निकल आता है, ये मसल्स, सॉरी, ये जो टिश्यू होते हैं कि बाहर निकल आते हैं, इसी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसको हॉर्निया कहा जाता है। ये बॉडी के कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, ये बॉडी के कहीं भी हो सकता है, और इसके टाइप भी बहुत होते हैं, हर्निया के कई टाइप होते हैं। यहां पर मोटी मोटी बात आपको समझना है कि क्वेश्चन समझ लें कि सामान्यतया कैविटी में होने वाली किसी अंग, मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट में, अंग कोई भी आर्गन होगा, ऊतक होगा, संरचना कोई होगी, बॉडी की कोई भी संरचना हो सकती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, फैलाव हो सकता है, कोई भी फैलाव हो सकता है, या इनका ये बाहर निकल आते हैं, ठीक है, इसी को हर्निया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नर्सिंग एग्जाम्स एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ CHU में पूछे गए, कुछ और ज़्यादातर एम्स नर्सिंग के क्वेश्चन है, और स्टाफ नर्स ANM के भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें फिर आंसर बताएं। हाइड्रोसील किसकी सूजन है, हूज स्वेलिंग इज हाइड्रोसील, क्या है राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करें, जो भी आपको राइट आंसर लग रहा हो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अंडकोश की थैली में क्या होता है, सूजन आ जाती है, इसी को हाइड्रोसील कहा जाता है। क्या होता है, एक फ्लूड क्या होता है, एक फ्लूड टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिल हो जाता है, या एक तरह का यू कहें कि इसमें क्या होता है, लिक्विड या पानी उतर आता है, ठीक है, स्कोट्रम में क्या होता है, पानी उतर आता है, जिससे इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, स्कोट्रम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, इसी को हाइड्रोसील कहा जाता है। ये ज़्यादातर पुरुषों में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, हाइड्रोसील, ओके, और कई बार इसमें मेडिकल्स, जो लोग मेडिकल्स वगैरह देते हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उनमें क्या होता है, ये कई, मतलब कुछ लोगों में कई समस्याएं पाई जाती हैं, जो इसको ठीक भी हो जाता है ऑपरेशन के माध्यम से, इसको ठीक भी किया जाता है अंडकोश की थैली में। हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 एम्स नर्सिंग का, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर बात समझ में ना आ रही है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर याद कर लेना, ठीक है, जो भी ऑप्शन मेंशन है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है स्नेलेल, पढ़ ले भाई, स्नेलेल चार्ट का प्रयोग किसकी खराबी का आकलन करने के लिए करते हैं, स्नेडल चार्ट इज यूज टू असेस हूज मलफंक्शन, क्या है राइट आंसर इसका, कोशिश किया करें आप समझने की क्वेश्चन को फिर आंसर बताएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंख। आपने देखा होगा जितने भी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होते हैं या ऑप्टिक्स वाले जो भी लोग होते हैं, यहाँ पर चश्मा वश्मा नहीं बनाए जाते, ग्लासेज,
ठीक है, गूगल्स वगैरह या चश्मे बनाए जाते हैं खासकर वो टेस्टेड वाले, तो एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बताया जाता है यहाँ पर ए लिखा होता है, फिर यहाँ पर बी लिखा होता है, यहाँ पर मान लो कि जेड होगा, यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर क्यू होगा, ये बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, इससे छोटा होगा, 6 लाइनें ज़्यादातर मेंशन की जाती हैं। ठीक है, 6 लाइनों को ही बता दिया जाता है 6x6। अगर किसी की आंखों में दोष नहीं होता तो उसका जो आई साइड होता है ना वो 6x6 होता है। कितना होता है? 6x6, 6/6 दोनों आँखों का। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये दोनों आँखों में 6/6 हो, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा भी होता है, तो 6/6 का मतलब होता है स्वस्थ आँखें। और इसी चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो इतने भी ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट आई जो भी आँखों से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं या ग्लासेस वाले जहाँ ऑप्टिक्स वाले चश्मे बनाए जाते हैं, ठीक है, टेस्टिंग वाले, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसने चार्ट कहा जाता है, आँख के लिए यूज किया जाता है, आँख की खराबी का आकलन किया जाता है कि आंख में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ लें, फिर इसके बाद ऑप्शन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग एग्जाम्स में, ठीक है, और ये अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जैसे कि पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, तो पढ़ें ऑप्शन देखें फिर आंसर बताएं आप। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, व्हाट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू कॉल्ड? क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या? यहाँ पर देखिए सीधा सीधा मेंशन किया गया है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाता है। जब होता ब्लड में ऑक्सीजन की कमी तो क्या होता है? हाइपोक्सीमिया होता है। क्या? हाइपोक्सीमिया होता। ओके, कल बताया था पिछले वीडियो में 181 में, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना आप, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया, और नहीं सॉरी, हाँ हाइपोक्सिया, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सीमिया, या कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है आर्टेरियल ब्लड में, सॉरी आर्टेरियल ब्लड में क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? हाइपोक्सीमिया कहलाती है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊतकों में मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, जैसा लिखा ऐसा याद कर लें, ज़्यादा बात समझ में ना आ रही हो। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 9, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ ले, फिर आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में है, यदि नब्ज की दर 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट देन व्हाट इज दैट कंडीशन कॉल्ड? इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? बताएं भाई क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया कहते हैं। यदि नब्ज की दर 100 प्रति मिनट 100 पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, 100 पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में, पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास हो जाती है, तो इसे टैकीकार्डिया के नाम से डिफाइन किया जाता है, एक टर्म्स होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, टैकीकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है टैकीकार्डिया? इस जब भी मान लो कि यहाँ पर नब्ज के बारे में बात की गई, नब्ज के बारे में, और कभी कभी ऐसा लिख के आ जाए एग्जाम्स में कि जो आपका हार्ट रेट है, क्या है हार्ट रेट, सॉरी HR मान लो कि ये 100 के एबव है या 100 के आसपास है, या 100 ऐसे ही मेंशन कर दे, यहाँ पर केवल हार्ट रेट लिख दे, दिल धड़कन, दिल की धड़कन लिख दे, समझे, दिल की धड़कन लिख दे, 100 है या 100 से एबव है, तब भी इसके लिए भी वर्ड यही इस्तेमाल किया जाए, टैकीकार्डिया। ठीक है, आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो जानकारी के लिए बता दूँ, जो नब्ज ये जो पल्स रेट होती है और हार्ट रेट होती है, क्या PR और HR ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितनी पल्स रेट होती है उतनी हार्ट रेट होती है। ओके, ये आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखना ये डाटा। ओके, यहाँ पर एक दो वर्ड मेंशन, इन्हें समझ लें आप, हो सकता है कभी फंस जाए एग्जाम्स में, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे टैकीकार्डिया में क्या था, फास्ट हार्ट रेट होता है, यहाँ पर फास्ट हार्ट रेट लिखा है, आप लिख सकते हैं पल्स रेट भी, मैंने बता दिया पल्स रेट हार्ट रेट एक ही होता है। ठीक है, मतलब जितना पल्स रेट होगा उतना ही हार्ट रेट होता है, या ऐसे ही काउंटिंग की जाती है, देखा होगा बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे कि एक बार एयरफोर्स का मेडिकल्स हो रहा था, हम दे रहे थे मेडिकल्स, या कोई भी मेडिकल्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे एयरफोर्स नेवी में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी ये नब्स को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, पल्स को क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी घड़ी को देखते हैं, अपनी वॉच को देखते हैं, फिर 1 मिनट तक काउंट करते रहते हैं, जैसे कि आपका जो हार्ट है ना वो पंपिंग करता रहता है,
1 2 3 ऐसे खट 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 करता रहता है ना, तो वो जो ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते रहते हैं इसकी, 1 मिनट में कितना हुआ, तो लगभग लगभग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट वो वैसे नहीं करते स्टेटोस्कोप लेके, या वैसे ज़्यादा नहीं करते, वो क्या करते हैं पल्स को क्या करते हैं, टटोलते हैं, फिर उसके बाद इससे कर लेते हैं पल्स रेट हार्ट रेट, उनका दोनों काम हो जाता है, ठीक है। वो जानते हैं पल्स रेट जितना उतना ही हार्ट रेट होता है, ओके। तो ट्रैकिकार्डिया में क्या होता है, फास्ट होता है हार्ट रेट या फास्ट होता है ये क्या कहते हैं पल्स रेट, ओके। जनरली आपको दोनों बताने हैं बातें कि जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, सामान्यतया जो पीपल्स में होता है लोगों में हार्ट रेट कितना होता है, ओके। और पल्स रेट करके भी मेंशन कर सकते हैं आप, नोट पे एक वर्ड मेंशन इसे समझा करें आप। ये लिखा है ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब होता है स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट कितना होगा, जितना मान लो कि आप सामान्य जानते होंगे कितना, पहले आप मेंशन करना बता देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जितना सामान्य होता है, जितना हार्ट रेट, जितनी धड़कन जो दिल की धड़कन होती है, जितनी सामान्य होती है सामान्य दिल की धड़कन, उससे अगर कम हो जाएगा तो उसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी, शब्द ब्रैडीकार्डिया इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ब्रैडीकार्डिया, आप इसे इस वर्ड को याद कर लें, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि जब ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है ना, ये एम्स नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एम्स नर्सिंग के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टर्म्स को डिफाइन कराते हैं, तो इसलिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं एम्स के काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हायर एग्जाम्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए जो भी डाटा मैं बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ब्रैडीकार्डिया इसका मतलब होता है नॉर्मल से हार्ट रेट क्या होगी या पल्स रेट, यहाँ पर हार्ट रेट लिखा है, आपके एग्जाम्स में हो सकता है पल्स रेट आ जाए लिख के, तो इसका मतलब आपको घबराना नहीं, हिम्मत के साथ सामना करना है, ठीक है। आपका आंसर अगर स्लो हार्ट रेट या स्लो पल्स रेट होगा तो आपका आंसर ब्रैडीकार्डिया होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है, व्हाट इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द आरबीसी इन द बॉडी, क्या है इसका राइट आंसर। उस दिन मैंने बताया था आपको बुलेट पॉइंट के रूप में, की पॉइंट के रूप में, आज यहां पर आपको आंसर बताना है क्या है इसका राइट आंसर, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, जब भी आरबीसी में कमी होगी तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया, क्या एरिथ्रोसाइटोपेनिया, मान लो साइटो ना लिखा हो तब भी घबराना नहीं आपको, एरिथ्रोपेनिया लिखा होगा, क्या एरिथ्रोपेनिया, ठीक है, ये भी चलता है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया मिल जाएगा जनरली आपको जब भी शरीर में आपके लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी। यहाँ पर हमने शॉर्ट में ले लिया है, एग्जामिनर ने भी इसी तरह लिया है, आरबीसी बाय द वे ना ले, कभी कभी तगड़ा ले लेता है ऐसे रक्त कणिकाओं की, लाल रक्त कणिकाओं की कमी, क्या ऐसा लिख देता है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी, शरीर में जब लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी आपके लिए तो सभी हैं, यहाँ पर देख लें, इट इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोपेनिया, क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया को, इस नाम से भी जाना जाता है एरिथ्रोपेनिया, मतलब लगभग लगभग बराबर होता है, ठीक है, लगभग लगभग क्या 100% मानो बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें आप फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ पर खाली थी जगह, के लिए वेगोटॉमी एक शैल चिकित्सा उपचार है। अब क्वेश्चन आप जिस प्रकार से समझ पा रहे हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप उतना अपना दिमाग लगा के अपना आंसर बताएं। कई बार इसको एक बार कवर किया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप इस तरह, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ फिल करेंगे, हिंदी वाले यहाँ फिल करेंगे, और जहाँ मन हो अपना अपना फिल कर लो, ठीक है। वेगोटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर, किसके लिए होता है, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पेप्टिक अल्सर के लिए किया जाता है। किसके लिए, वेगोटॉमी एक शैल चिकित्सा या शैल सर्जिकल होता है, ठीक है, शैल चिकित्सा उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है, किसके लिए होता है, ये पेप्टिक अल्सर के लिए होता है, किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। अब पेप्टिक अल्सर के लिए थोड़ी बातें समझ लो, जिंदगी में काफ़ी बदलाव ला सकती हैं आपके। ये जो ऑसोफोगस पाइप होता है ना, इसी को फूड पाइप कहा जाता है, ये जो फूड पाइप होता है, ये स्टमक होता है, ये ड्यूडेनम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर घाव बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, घाव टाइप बन जाते हैं, ओपन होल बन जाते हैं, छेद टाइप के बन जाते हैं स्टमक की, स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग वाले पार्ट में घाव बन जाते हैं, और ये ड्यूडेनम के कुछ पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट में, सॉरी या इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में क्या होता है, ये बन जाते हैं, क्या घाव बन जाते हैं, या सोर्स बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, पेनफुल सोर्स, ये दर्द भी करते हैं, ये क्या करते हैं, दर्द करते हैं, इन्हीं को भैया पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। समझ गए होंगे आप,
इस पे पाइप में भी बन जाते हैं, एसोफोगस पाइप में भी बन जाते हैं, और ज़्यादातर ये स्टमक अल्सर के नाम से भी इसे जाना जाता है, पेप्टिक अल्सर नोन इज द स्टमक अल्सर। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, भेदभाव कोई नहीं करेगा, ठीक है। आंसर सेम ही है, पेप्टिक अल्सर इसको कहा जाता है। यहाँ पर घाव बन जाते हैं, घाव टाइप सोर्स टाइप के बन जाते हैं, और एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जैसे नॉन स्टेरॉइड दवाएँ होती हैं, जैसे ब्रूफेन वगैरह और भी कई दवाएँ मेडिसन होती हैं, जो लोग इनका लगातार सेवन करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये हो जाते हैं, और भी इक्का दुक्का कारण है, इक्का दुक्का और भी कारण है, लेकिन ये आपको समझ रहे हैं, इनकी लाइनिंग में क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं और एक बैक्टीरिया पनप जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया, सीएचओ के एग्जाम्स में, ठीक है, और नर्सिंग के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो पेप्टिक अल्सर समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, थोड़ी डिटेल मेंशन है, बैक्टीरिया का नाम देख लें, काफ़ी तगड़ा नाम है इसका। बैक्टीरिया का नाम जब भी पूछा जाएगा तो हेलीकॉप्टर याद रखना, क्या हेलीकॉप्टर, ये लिखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्या लिखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये किसका बैक्टीरिया है, पेप्टिक अल्सर का है, ठीक है। अगर बात समझ में ना आई तो ऐसे याद रखो कि इसका जो बैक्टीरिया पापा हेलीकॉप्टर में, ठीक है, क्या याद रखोगे, पापा हेलीकॉप्टर में, तो पापा मतलब पेप्टिक और हेलीकॉप्टर का मतलब इसके लिए बैक्टीरिया जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब इसके इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इसके लिए जिम्मेदार होता है जो बैक्टीरिया, ठीक है। पापा हेलीकॉप्टर का मतलब होगा, पापा मतलब होगा पेप्टिक अल्सर, और हेलीकॉप्टर में होगा मतलब हेलियोबैक्टर, ये हेलीकॉप्टर यहाँ से याद रख लो, ठीक है, हेलियोबैक्टर पायरोली याद रखोगे ठीक है चल जाएगा, लेकिन हेलिकोबैक्टर लिख लेना क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, अब यहाँ पर वही बात मेंशन है जो मैंने हिंदी में आपको बता दी, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आर दी पेनफुल सोर्स, एक प्रकार घाव होते हैं या ओपन सोर्स होते हैं जो इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की क्या होती है, लाइनिंग हो जाते हैं, ओसोफोगस पाइप में हो जाते हैं और ड्यूडेनम में हो जाते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है, ये जो आपके पेट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला ये पेट होता है, यहाँ पर जो नली जुड़ी होती है, ठीक है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला ओसोफोगस होता है, ओके। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ बिगनिंग पार्ट में हो जाते हैं, मतलब शुरुआती पार्ट में, ओके, वहाँ भी हो जाते हैं। ये नाम याद रखना आप, हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है, हेलिकोबैक्टर लिखा है, लेकिन याद करने के लिए जैसा बताया आप अपना हिसाब से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो विचित्र चीज़ें होती हैं आपके माइंड में ज़्यादा देर तक बैठती हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12, शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी क्या कहलाती, व्हाट इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स इन द बॉडी, क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें अपना आंसर भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या प्लेटलेट्स की जब कमी होगी थ्रोम्बोसाइट टंस इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपको अगर पता होगा थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स, किसा किससे रिलेशन होता है इसका, प्लेटलेट्स से, तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की संख्या में कमी क्या कहलाती है, व्हाट इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इन द बॉडी, मतलब जब आपकी बॉडी में क्या होता है WBC की कमी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, कमेंट करके अपना आंसर बताएं आप, यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर। WBC की जब कमी हो जाएगी तो इसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी पर मेंशन है, किस पे, ऑप्शन बी पे ल्यूकोसाइट, क्या होता है ल्यूकोसाइटोपेनिया, आपको पता है ल्यूकोसाइट का संबंध किससे होता है, WBC से होता है, ल्यूकोसाइट मतलब होता है ये यहाँ पर जो मेंशन है श्वेत रक्त कणिकाएं है, ठीक है, क्या श्वेत रक्त कणिकाएं, तो ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब होता है कि WBC की संख्या में जब बॉडी में कमी हो जाती है इसको ल्यूकोसाइटोपेनिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जैसा लिखा है इसी तरह याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में, और पूछे गए क्वेश्चन है आप ध्यान रखिए सभी क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर, 14 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार वेक्टर कौन सा है, विच इज द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिकनगुनिया, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी पुरुषों और महिलाओं ने इसके आंसर सही दिए थे, सभी बंधुओं ने, फ्रेंड्स ने मेरे, ओके। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर जिनका गलत हो वो दोबारा यहाँ पर चांस है उनके लिए, बता सकते हैं अपना आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या ऑप्शन बी, एडीज, चिकनगुनिया एक प्रकार का फीवर होता है, एक प्रकार का क्या होता है, टाइप्स ऑफ द फीवर, ठीक है। इसके लिए जो वेक्टर होता है वो कौन होता है जिसकी वजह से फैलता है, वो एडीज होता है, एडीज अजस्टी पूरा नाम होता है, एडीज अजस्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऐसे याद कर ले। अब नीचे डिटेल्स मेंशन है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और भी जो नए फैक्ट है नहीं समझे आप,
एडीज एजेफ्टी मॉस्किटो होता है, ये पूरा नाम है एडीज मच्छर का, ठीक है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर्स जो होते हैं कभी कभी फीमेल एजेफ्टी मीन्स का फीमेल एडीज, तो आपको ध्यान रखना फीमेल एडीज एजेफ्टी, ठीक है। लेकिन जनरली जो मैंने कई केसेज में देखे 90% केसेज में क्या होता है, एडीज मच्छर एडीज मॉस्किटो मेंशन किया जाता है एडीज करके, ठीक है। पूरा नाम होता है एडीज एजेफ्टी, याद रखना, ठीक है। और एक मच्छर और होता है, लेकिन ये एडीज प्रजाति का है, एडीज एल्बो पिक्टस, क्या लिखा है, एडीज एल्बो पिक्टस, ये भी मच्छर होता है जिसकी वजह से चिकनगुनिया हो जाती है, ठीक है। तो एडीज तो आपको पता है कैसे, एल्बो जो भी हिंदी मीडियम से है वो लिख लें एल्बो पिक्टस, ऐसे पिक्टस सा लगा देना, ठीक है, ये छोटी की मात्रा लगी है, एडीज एल्बो पिक्टस, इसकी वजह से भी चिकनगुनिया हो जाती है। ये सभी मच्छर के टाइप्स हैं, ठीक है, एडीज के ही टाइप्स हैं, एडीज के अंतर्गत ये एल्बो पिक्टस भी आता है, एडीज एजेफ्टी एडीज एल्बो पिक्टस, ओके। अब बात करते हैं इसमें जो वायरस इंजेक्ट किया जाता है एडीज के द्वारा, वो वायरस कौन सा होता है, अल्फा वायरस होता है, कौन सा जीनस होता है इसका, अल्फा वायरस जीनस होता है, ओके। तो ये ध्यान रखना चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस होता है या इसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है एडीज के द्वारा, वो अल्फा वायरस होता है, ओके। किस क्या होता है, कौन सा, अल्फा वायरस। अब यहाँ पर सिम्पटम मेंशन है, लक्षण क्या क्या होते हैं, बहुत तेज बुखार आता है, क्या, बहुत तेज बुखार आता है, फीवर आता है, जोड़ों में ज्वाइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, हेडेक होता है, सरदर्द होता है, थकान होती है, जी मचलाता है, ये सभी लक्षण मेंशन है यहाँ पर, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलाना, ये सभी इसके लक्षण हैं चिकनगुनिया के, ओके। अब यहाँ पर एक जानकारी के लिए आपके वर्ड मेंशन है यहाँ पर, चिकनगुनिया को जो पहली पहचान की गई थी 1952 में की गई थी तंजानिया, ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, तंजानिया में की गई थी 1960 में, 1960 में आसपास ये एशिया में या भारत में की गई थी, ठीक है, एशिया के आसपास की गई थी 1960 में, ठीक है। चिकनगुनिया की पहली पहचान की गई थी 1952 में, और एशिया में कब की गई थी, एशिया या इंडिया में 1960 के आसपास की गई थी, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये NHM में एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये एग्जाम्स का, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था इसलिए लिया इसको। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक साथ रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जन्म के तुरंत बाद जब माँ और बच्चे को देखा होगा डिलीवरी के बाद क्या होता है, जैसे ही वो आउट होता है, बेबी आउट होने के बाद क्या होता है, माँ के पास उसको लिटा दिया जाता है, माँ को दे दिया जाता है, माँ और बेबी जब एक साथ क्या होती हैं, चिपके हुए रहते हैं, इंटरवाइंड रहते, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है, एक मेडिकल टर्म्स होता है, टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा टर्म्स है जो इस्तेमाल किया जाता है जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को एक साथ रख दिया जाता है, ये अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछा गया था NHM एग्जाम्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा तो फिर भी लाइक करना, ठीक है, और चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप मेडिकल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये डाटा, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सबको जानना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिकली नॉलेज सबको होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए किससे क्या होता है, कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, अवेयरनेस आपको सभी पता होना चाहिए, ताकि आप जागरूकता फैला सकें अपने समाज, फैमिली, अपने समुदाय में, ओके। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हों चैनल पर, क्योंकि डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड होती है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जब भी आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाएगा जितने समय हमारी क्या होगी टेस्ट सीरीज अपलोड होती है, ठीक है, तो आपको इससे काफी हेल्पफुल मिलेगा इन द एग्जाम्स, ठीक है। और सभी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं हमारे सभी टेस्ट सीरीज, कोई भी एग्जाम्स हो आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है, 100%, बस अर्थ इन्हें 2-3 बार आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे तभी आपके अंदर परिपक्वता आएगी, ठीक है, तभी आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, 2-3 बार कम से कम कर लेंगे आप, या आपको ऐसा हो एक बार या 2 बार में, जितनी 3 बार में 5 बार में जितनी बार में कम्प्लीट, बशर्ते आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए, ओके। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे लगे होंगे जो भी पॉइंट मैंने बताए थे एग्जाम से रिलेटेड, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉइंट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।